मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पटवारी ने 29 साल की बुजुर्ग महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसकी संपत्ति अपने नाम कर ली। इस बात का खुलासा तब हुआ जब महिला कलेक्टर और एसपी के पास पहुंची। हैरानी की बात तो यह है कि बुजुर्ग नारायणी देवी जिंदा है और वह अपने बेटे के साथ पुलिस के चक्कर लगा रही है। हालांकि पुलिस ने उनकी शिकायत पर रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। ग्वालियर में 90 साल की बुजुर्ग नारायणी देवी का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उनका मकान और प्लॉट के कागजों में हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। साथ ही उनकी संपत्ति हड़पने का मामला भी सामने आया है। ऐसा करने वाला उनके घर या परिवार का कोई सदस्य नहीं बल्कि इलाके का पटवारी है, जिसने जालसाजी से जीवित महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया और फिर वसीयत अपने नाम लिखवा ली। सिर्फ इतना ही नहीं, वसीयत के बाद पटवारी ने मकान और प्लॉट भी अपने नाम कर लिया। हैरानी की बात तो यह है कि एसपी ऑफिस में जिंदा खड़ी नारायणी देवी को पटवारी ने कुछ साल पहले ही मृत घोषित कर दिया और इसकी खबर न तो नारायणी देवी को लगी और न ही उनके बेटे को। शहर की गोला का मंदिर इलाके में टेलीफोन एक्सचेंज के पास नारायणी का पुश्तैनी मकान है, जो कि 2 मंजिला है और इस मकान में कुछ दुकानें भी हैं जिनका किराया आता है। साल 2011 तक उनकी संपत्ति के कागजों में कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन 28 जनवरी 2022 को जब कुछ सरकारी काम के लिए उनके बेटे ने ऑनलाइन चेक किया तो वह हैरान हो गया, क्योंकि जो मकान उनकी माँ के नाम था वह उसके आगे मकान मालिक का नाम भगवान सिंह लिखा हुआ था। भगवान सिंह यादव इलाके के पटवारी हैं और जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। बुजुर्ग नारायणी का बेटा उनको लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा तो पूरी घटना बताई। वाने देख लीजिए, हमें मरे घोषित कर दिए, हड़प ली मेरी दुकान है, सब अपने नाम करा ली, जाने को पटवारी भगवान सिंह पटवारी। कोई बाली भाई और भगवान सिंह नाम का व्यक्ति है, उसने हमारी जमीन मकान अपने नाम करा लिया। माता जी के प्रमाण पत्र का क्या किया? माता जी के प्रमाण पत्र मृत्यु मृतक के खसरे में दर्शाया गया और योगी खसरे। तो अब आपने क्या किया, पुलिस को क्या बताया इसके बारे में? पुलिस को आवेदन दिया, देखो साहब ने आश्वासन दिया है काम करेंगे। एसपी से मुलाकात हुई आपकी? मिले? हम माता जी को मिलाया। क्या बोला मैंने? उन्हें बोला कि जांच करें। ये आखिरी बार आपने खसरा कब चेक किया था जब आपको ये सब गड़बड़ मिला? 28 जनवरी। वही एएसपी राजेश डंडोतिया ने फरियादी के आवेदन पर जल्द जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अभी एक कंप्लेंट आई है, इसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि महिला के द्वारा है उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर और एक फर्जी वसीयतनामा बनवाकर और फर्जी नामांतरण कराया जाकर और मेरा डेथ सर्टिफिकेट फर्जी कराया जाकर और वसीयत और नामांतरण इन तीनों के ये कराया जाकर और अपने नाम कर ली है प्रॉपर्टी। तो इसमें अभी फिलहाल चूँकि हम डॉक्यूमेंट्स का ये भी जांच कर रहे हैं, जो फर्जी वसीयत है वो क्या वाकई फर्जी है और जो डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया वो कहाँ से इशू हुआ है। अगर वाकई डेथ सर्टिफिकेट, चूँकि ये बात स्पष्ट है कि जब महिला जिंदा है तो क्या इनके द्वारा इसी के आधार बना के किया गया है, इन सब की भी जानकारी हम रजिस्ट्रार कार्यालय से ले रहे हैं। तो अभी इसमें जाँच चल रही है, जल्दी इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, जिसमें कि एक बच्चे को के साथ मारपीट कर रहे थे और इस संबंध में थाना गोला का मंदिर से जब पूछा गया तो ये दोनों ही पक्ष पड़ोसी हैं और आसपास ही रहते हैं और किसी विवाद को लेकर इनमें मारपीट हुई। दोनों पक्ष ने ही अपना वहाँ थाने के बाहर ही राजीनामा कर लिया और लिख के दे दिया कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। मैंने जब डॉक्यूमेंट्स ढूंढवाए तो उसमें महिला के द्वारा लिखा हुआ एक आवेदन मिला है, जिसमें कि उसमें द्वारा कहा गया है कि चूंकि हम दोनों में समझौता हो गया है, पड़ोसी हैं, मेरे पास ही रहते हैं और अब मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ। तो फिलहाल उसके आवेदन को अभी जाँच की जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि प्रॉपर्टी के लिए जिंदा महिला को मृत घोषित करने वाले आरोपियों पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। खबर मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।